मूवी स्टार्ट होती है और हम हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जिनका नाम काइल और एमिली था। डिनर करते वक्त एमिली काइल से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर काइल इस बात को प्रोसेस नहीं कर पाता। इसके बाद हम मॉली को देखते हैं जो कि काइल और एमिली की बच्ची थी। उसका ख्याल रखने के लिए उसकी केयरटेकर जेसिका उनके घर पर आई हुई थी। वहाँ उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था रॉबी। उसे रूम दिए और वो उसके रूम में था और कुछ अनअप्रोप्रिएट कर रहा था। पैरेलल में एमिली काइल को कुछ कहने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चुप था। एमिली उसे ये भी बता देती है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, उसका नाम डेविड था। ये सब बातें काइल को सुननी नहीं थी। एमिली चुप नहीं हो रही थी, इसी वजह से वो डायरेक्टली कार से कूद जाता है। एमिली उतर कर उसके पास जाती है। वो उसे कहता है कि मैं आज ही घर से चला जाऊंगा, जिधर मुझे साइन करना है वहां मैं साइन कर दूंगा। पैरेलल में हम रॉबी को देखते हैं जो जेसिका को लाइक करता था। उसे डायरेक्टली आई लव यू कह देता है। जेसिका उसे कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो। रॉबी उसे कहता है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ 3 साल से तुमसे छोटा हूँ। जेसिका उसे समझा रही थी और तभी वहां पर एमिली और काइल आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद ही काइल अपने डिवोर्स के बारे में अनाउंस कर देता है। ये बात रॉबी ने भी सुन ली थी। रॉबी की मदर ने उसे उसके रूम में भेज दिया। नेक्स्ट सीन में हम दो लड़कियों को एक बार में देखते हैं। उसमें से हमारी एक मेन कैरेक्टर है और इसका नाम है हैना। उसके साथ उसकी फ्रेंड बैठी थी, वो बातें कर रहे थे और उसके पास हमारा और एक मेन कैरेक्टर आता है, उसका नाम जेकब था। जेकब उनसे बात करने की कोशिश करता है और वो हैना के साथ फ्लर्ट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम काइल को देखते हैं। वो जेसिका को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा था। जेसिका उसे पूछती है कि क्या आपकी वाइफ एक्चुअल में आपको डिवोर्स दे रही है। इस पर उसे हाँ कहता है। जेसिका ने कहा कि मुझे आपकी वाइफ और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर अगर आपकी वाइफ आपको डिवोर्स दे रही है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। ये सुनकर काइल से स्माइल करता है। इसके बाद उसने उसे घर छोड़ दिया और वो घर आ गया। हम देख सकते हैं कि जेसिका एक्चुअल में काइल को बहुत लाइक करती थी। इसके बाद काइल एक बार में आ गया। इसके बाद वो ड्रिंक करता है और जो लड़की उसके पास बैठी थी उसे ज़बरदस्ती अपनी स्टोरी बताने लग गया कि किस तरीके से उसकी वाइफ का अफेयर हो गया और अब वो डिवोर्स चाहती है। वो लड़की उसे कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं थी और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे बहुत सैड होकर वो अपने ऑफिस में आता है, किसी से भी बात नहीं कर रहा था। उसका बॉस, उसके कलीग्स ये उसके लिए वरीड होने लग गए। उन्हें लग रहा था कि शायद इसे कैंसर हुआ है। बाद में उन्हें बता देता है कि उसका डिवोर्स होने वाला है। ये बात पता चलने के बाद सब रिलैक्स हो गए और इस बात पर वो मजाक उड़ाने लग गए। नेक्स्ट सीन में अपने घर से सारा सामान ले जाने के लिए आया हुआ था। एमिली उसे कहती है कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम दोनों में इतनी ज्यादा दूरियां कब बढ़ गई। काइल उसे कहता है कि जब से तुम डेविड को लाइक करने लग गए तभी से सब कुछ हुआ है। उसे कहता है कि न्यू प्लेस पर मैं सेटल होता हूँ और तब बच्चे आकर मुझसे मिल सकते हैं। इसके बाद वहाँ से चला जाता है। आजा तो फिर से बार में आया था। वहाँ वो जेकब को देखता है और किसी और लड़की के साथ था। काइल से मिलने के लिए उसका फ्रेंड आया जो आखिरी बार उससे बात करने के लिए आया हुआ था। उसका फ्रेंड जेसिका के डैड थे। वो काइल का भी फ्रेंड था। उसकी वाइफ ने उसे काइल से दोस्ती तोड़ने के लिए कही थी क्योंकि उसकी वाइफ एमिली की फ्रेंड थी। उसे गुड बाय कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद काइल और भी ज़्यादा सैड हो गया, वो अपनी सोच में डूब जाता है। नेक्स्ट डे काइल अपने अपार्टमेंट में था जहाँ उसके बच्चे भी उसके साथ थे। रॉबी अपने डैड को कहता है कि प्यार करना इतना भी आसान नहीं है। वो जेसिका से बहुत प्यार करता है और इसी वजह से बेचारा बहुत ही तकलीफ में था। काइल को यहाँ से जाना था तो जेसिका को बेबी सिटिंग करने के लिए छोड़कर वो चला जाता है। यहाँ रॉबी फिर से जेसिका को आई लव यू कहने लगता है। इसके बाद हम फिर से हैना को देखते हैं। हैना इस बार अपने फ्रेंड्स और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि कुछ दिनों में मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ। इसके बाद हम जेकब को देखते हैं जो काइल का वेट कर रहा था। काइल वहां पर आता है और जेकब ने उसके शूज देखे। उसने उसे शूज निकालने के लिए कहे और वो उसे लेकर फेंक देता है। उसे काइल का स्टाइल थोड़ा सा भी पसंद नहीं था तो उसके लिए पूरी न्यू शॉपिंग वो करता है। इसके बाद उसे एक बार्बर शॉप में भी लेकर गया, उसे पूरा न्यू लुक देता है। अब काइल थोड़ा सा ठीक लगने लग गया था। इसके बाद वो रात में बार में आता है। इसके बाद वो काइल को एक लड़की से मिलवाता है ताकि उससे बात कर सके। इसके बाद जेकब ड्रिंक्स लेने के लिए चला गया। काइल जैसे उस लड़की से बात करने लगता है तो उसकी अजीब अजीब बातें सुनकर वो लड़की ऑफेंड होने लग गई थी। तभी वहाँ पर जेकब आ गया और सिचुएशन को संभाल लेता है। जेकब काइल को एक्सप्लेन करता है कि लड़कियों के साथ किस तरीके से बात करनी है। जिस तरीके से जेकब लड़कियों से बात करता था तो उसे हर कोई लड़कियों से लाइक करने लगती थी। ये सब देखकर काइल भी सरप्राइज था। थोड़ी देर बाद एक ब्यूटीफुल सी लड़की काइल के पास आने लग जाती है। काइल को लगा कि शायद वो लड़की उसे लाइक करती है, पर वो लड़की उसके पास आई और उसे बिल दे देती है। जेकब का ऐसा बिल देखकर काइल भी हिल जाता है।
नेक्स्ट डे हम एमिली को देखते हैं जिसके पास डेविड आता है। डेविड उसे बात कर रहा था पर एमिली उसे वहां से जाने के लिए कहती है कि हम बाद में बात करेंगे। डेविड कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। एमिली कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एमिली सिर्फ अपने डिवोर्स को लेकर जरा परेशान थी, इस वजह से उसे बात नहीं कर रही थी। इसके बाद हम रॉबी को स्कूल में देखते हैं। वो जेसिका को मैसेज करता है। मैसेज में वो लिखता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है उसका बॉयफ्रेंड उससे 15 ईयर से बड़ा है। ये मैसेजेस जेसिका को अच्छे नहीं लगते। लेक्चर के वक्त वो मैसेज कर रहा था, उस वजह से रॉबी की टीचर ने उसे खड़ा रहने के लिए कहा। वो पूछती कि हम डिस्कस क्या कर रहे थे। वो लव स्टोरी पर डिस्कस कर रहे थे। रॉबी की लव स्टोरी अच्छे से चल नहीं रही और इसी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड था और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें वो बोल देता है। ये बात सही नहीं थी और इसी वजह से टीचर उसकी मदर को बुलाती है। एमिली के प्रिंसिपल के मिलने के बाद उसे बात करती है। एमिली ने उसे कायल के बारे में पूछा। वो कहता है कि आजकल फादर जरा ज़्यादा बाहर जा रहे हैं पर मुझे पता है कि वो बहुत ही अकेले है, उन्हें बहुत ही दुख हो रहा है। एमिली को भी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अब भी वो कायल से बहुत प्यार करती है। इसके बाद वहाँ पर डेविड आता है जो एमिली को कुछ काम बताता है। एमिली के जाने के बाद वो रॉबी से बात करने लग गया। रॉबी उससे कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी वजह से मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स हो रहा है। ये कहने के बाद उसने कहा कि तुम देख लेना कि मेरे मॉम और डैड फिर से एक साथ आ ही जाएंगे। मेरी मॉम मेरे डैड से बहुत प्यार करती है। ये सब बात सुनकर डेविड भी सरप्राइज हो गया था। इसके बाद हम कायल को जिम में देखते हैं। जिम करने के बाद वो शाम में एक बार में आता है। जेकब उसे एक लड़की से बात करने के लिए कहता है। उसे बात करने की कायल की हिम्मत नहीं हो रही थी। जेकब ने अपने स्टाइल में उसे मोटिवेट किया और इसके बाद कायल वहाँ पर चला जाता है। जिस तरीके से जेकब लड़कियों से बात करता है, कायल भी उस लड़की से उसी टाइप से बात कर रहा था। ये बातें उस लड़की को पसंद नहीं आती और वहाँ से उठकर वो जा रही थी, पर कायल ने कहा कि मैं सॉरी हूँ, मैं इस तरीके से कभी भी बात नहीं करता। वो फिर से उसके और उसके वाइफ के डिवोर्स के बारे में बात करने लग गया। बहुत ही ऑनेस्टली वो बात करता है। ये सब उस लड़की को पसंद आता है और इसके बाद दोनों रात में उसके घर जाकर इंटीमेट हो गए। इस रात के बाद कायल का कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। अब वो किसी भी लड़की से बात कर सकता था। इसके बाद हम जेसिका को उसके स्कूल में देखते हैं। फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उससे 15 ईयर से बड़ा था, इस वजह से उससे पूछती है कि तुम्हारी एज तो बहुत ही कम लगती है, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें नोटिस कैसे किया था। फ्रेंड ने कहा कि मैंने मेरी नेकेड पिक्चर्स निकाल कर उसे सेंड की थी और उसके बाद वो मुझे सीरियसली लेने लग गया। इसके बाद जेसिका स्कूल से बाहर आए तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर खड़े थे। वो क्राउड में जाती है तो वहाँ पर रॉबी था। वो सबके सामने जेसिका को आई लव यू कहता है। जेसिका उसे उतार कर वहाँ से लेकर जाती है और ऐसा करने से फिर से उसे मना करती है। ये सुनकर रॉबी भी बहुत ही सैड हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम रॉबी और उसके डैड को देखते हैं जो कैच कैच खेल रहे थे। रॉबी अपने डैड से कहता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है पर वो लड़की उस पर ध्यान ही नहीं देती। कायल ने उसे कहा कि तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए, अगर तुम उसे प्यार करते हो तो तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। रॉबी उनसे कहता है कि आपने तो मदर को लेकर हार मान ली। कल रॉबी के पेरेंट्स की मीटिंग थी जहाँ पर दोनों साथ में जाने वाले थे, वहाँ पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगले दिन वो साथ में बात कर रहे थे। एमिली उसे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर उसे मना करता है। ये सुनकर उसे अच्छा लगा था। इसके बाद वहाँ पर रॉबी की टीचर आती है। ये वही टीचर थी जिसे कायल मिला हुआ था। एक रात साथ में बिताने के बाद कायल ने उस टीचर को फिर से कॉल नहीं किया था, इस वजह से वो बहुत ही गुस्सा थी। वो टीचर उन दोनों को याद देखकर बहुत ही सरप्राइज थी और गुस्सा भी। एमिली अंदर उस टीचर से पूछती है कि तुम कायल से कब मिली थी। कायल इस पर झूठ कहता है कि पिछले साल की पेरेंट टीचर में मिले थे। ये सुनकर टीचर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कायल की सारी पोल खोल देती है। इसके बाद एमिली वहां से उठकर चली गई। कायल उसे माफी मांगता है पर उसकी कुछ भी बातें नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हैना को उसके बॉयफ्रेंड के साथ हम देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड फाइनली अपनी दिल की बात उसे कहने वाला था। उसे कहता है कि मेरी कंपनी में एक लॉयर की पोजीशन में तुम्हें देने वाला हूँ। हैना को इस बात से बहुत ही सैड लगता है। उसे लग रहा था कि शायद उसे मैरिज के लिए प्रपोज करेगा। ये बात उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी बताई। बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मुझे इस बात के बारे में जरा सोचना होगा। ये सुनने के बाद गुस्से में वहां से वो चली जाती है। गुस्से में वो डायरेक्टली बार में आई और वो जेकब से मिलती है। उसे पूछती है कि क्या तुम अब भी मुझसे अट्रैक्टेड हो। जेकब इसे हाँ कहता है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद उसे घर ले जाता है। वहां पर वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कायल जेकब को कॉल करता है ताकि उससे हेल्प ले सके। जेकब हैना के साथ बिजी था। वो एमिली को भी कॉल करने की कोशिश करता है पर एमिली भी डेविड के साथ बिजी थी या उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है।
इसके बाद एमिली अपने घर आती है जहाँ पर जेसिका उसे डेविड के साथ देखती है। डेविड के जाने के बाद जेसिका उसे कहती है कि क्या तुम्हें पता है ये बच्चे तुमसे ज़्यादा उनके डैड को लाइक करते हैं, उनसे मिलने के लिए देर तक जगते हैं, पर उसके साथ ऐसा नहीं है। उसने पहले ऐसे बच्चे कहीं पर भी नहीं देखे जो अपनी मॉम से ज़्यादा अपने डैड से प्यार करते हो। या जेसिका उसे ताना मारकर वहाँ से चली जाती है। उसने एमिली से पैसे भी नहीं लिए थे। घर आने के बाद जेसिका ने अपने पिक्चर्स क्लिक किए और एक इन्वेलोप में डाल दिया। इन्वेलोप पर उसने कायल का नाम लिख दिया था। रात में कायल एमिली को बहुत मिस कर रहा था तो घर के बाहर आकर उसे छुपकर देख रहा था। एमिली को भी उसकी बहुत याद आ रही थी तो उसे कॉल करती है। उसे झूठ कहती है कि घर के लाइट्स ऑफ हो गए, उसे स्विच बदलना नहीं आता तो उसे गाइड करे। घर पर लाइट्स चल रहे थे और ये सब चीज़ें कायल देख सकता था। कायल फिर भी उसे सब कुछ डिटेल में बताता है। इसके बाद उसने कहा कि तुम्हें मुझे कॉल करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम मुझे कॉल कर सकती हो, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। नेक्स्ट डे कायल अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पर आता है, तभी जेकब ने उसे कॉल किया। जेकब उसे कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और इसके लिए वो बहुत ही सीरियस है, आज उसकी मदर से वो मिलने के लिए जाने वाला है। कायल इस पर जोक करता है कि उसकी मदर के साथ फ्लर्ट मत करना। नेक्स्ट सीन में जेसिका की मदर को उसने कायल के लिए जो फोटो खींची थी इसका एनवेलोप मिल जाता है। ये मिलने के बाद अपने हस्बैंड को उसने दिखा दिया। इस पर कायल का नाम था और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। जेसिका के डैड डायरेक्टली कायल को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। जेसिका उनका दूसरी कार में पीछा करने लग गए। नेक्स्ट सीन में एमिली को देखते हैं जो अपने घर आती है। वहाँ पर रॉबी उसके आंखों पर पट्टी बांधता है, उसे सरप्राइज दिखाने के लिए लेकर जाता है जो कायल ने उसके लिए रखा हुआ था। वो पट्टी खोलती है और उसके सामने कायल था। कायल उसे याद दिलाता है कि फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे से कैसे मिले थे। इसी मोमेंट पर वहाँ पर हैना आ जाती है। एक्चुअली हैना कायल और एमिली की बेटी थी। वो जब 16 साल के थे तभी उन्हें हैना हुई थी, इसी वजह से उन्होंने बहुत ही जल्दी शादी की थी। हैना ने अपने न्यू बॉयफ्रेंड जेकब कून से मिलवाया और इस वजह से कायल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम इसे डेट नहीं कर सकती। वो हैना को समझाने लग गया तभी वहाँ पर जेसिका के डैड आ जाते हैं और कायल को मारने लग गए। वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और जेकब उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वहाँ पर डेविड भी आ जाता है। वो एमिली को उसका रुमाल वापस करने के लिए आया हुआ था। जेकब ने उसे देखा और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया क्योंकि उसी की वजह से कायल इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था। वो डायरेक्टली उसे जाकर पंच मार देता है। यहाँ कायल भी जेकब को मारने लग गया, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी से ही तुम प्यार करने लग गए। वो सब लोग लड़ रहे थे और वहाँ पर जेसिका भी आके जेसिका अपने फादर को समझाती है कायल को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो ये भी बताती है कि वो कायल से प्यार करती है। ये सब सुनने के बाद रॉबी बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस आ गए और तीनों को समझाने लग गए। उनके जाने के बाद कायल हैना से कहता है कि प्लीज़ जेकब के साथ शादी मत करना। हैना कहती कि मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ और उसी के साथ वो शादी करने वाली थी। कायल उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है पर एमिली कहती है कि घर तुम्हारा नहीं है। इसके बाद हैना और जेकब वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ कायल डेविड को कहता है कि एमिली अब तुम्हारी हो गई, वो उनके बीच में नहीं आने वाला। इसके बाद रॉबी अपने मोबाइल से जेसिका का नंबर डिलीट कर देता है। जेसिका भी बहुत ही सैड थी। हैना अपने डैड पर नाराज़ थी पर जेकब उसे समझा रहा था कि उसे इस तरीके से उन पर नाराज़ नहीं रहना चाहिए। एक दिन कायल रॉबी को स्कूल लेने आता है और रॉबी उसे देखकर पलट जाता है। इसके बाद हम कायल को बार में देखते हैं जहाँ पर जेकब भी आता है। जेकब उसे पूछता है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे बेटे का एक स्कूल में प्रोग्राम है, क्या तुम वहाँ पर जाने वाले हो? कायल कहता है कि वो ज़रूर जाएगा। वो जेकब से बहुत नाराज़ था पर जेकब उसे कन्विंस करता है कि अब मैं बदल चुका हूँ। वो हैना को लेकर बहुत ही सीरियस था। कायल अभी भी उनके रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं था। इसके बाद हम स्कूल प्रोग्राम देखते हैं। वहाँ पर कायल एक सीट खाली देखता है जिसके पास में हैना और एमिली बैठे थे। थोड़ी देर में वहाँ पर जेकब आकर बैठ जाता है। इसके बाद वो अकेला ही बैठा हुआ था। रॉबी स्टेज पर अपनी स्पीच देने लग गया। रॉबी कहता है कि मुझे लगा था कि बड़ा होकर मैं जॉब करूँगा, फिर मैं प्यार करूँगा, पर अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि प्यार व्यार सब कुछ धोखा होता है। ये सुनकर उसके डैड उसे रोक लेते हैं। वो स्टेज पर आकर कहता है कि उसका बेटा अभी डिप्रेस है, इसी वजह से ये सब कह रहा है। रॉबी अच्छी तरीके से जानता है कि प्यार क्या होता है, सोलमेट्स क्या होता है। कायल ने कहा कि मुझे भी जब मैं 15 साल का था तभी मेरा सोलमेट मिल गया था, तभी से उससे प्यार करने लग गया था और अभी भी उससे वो प्यार करता है। वो एमिली के बारे में बात कर रहा था। जब एमिली ने उसे डिवोर्स के बारे में कहा था तब उसने सही से फाइट नहीं किया, पर अब वो उनकी रिलेशनशिप को लेकर फाइट करना चाहता है। वो कहता है कि हमें कभी भी सच्चे प्यार को छोड़ना नहीं चाहिए।
इसके बाद रॉबी फिर से जेसिका को आई लव यू कहता है। इस बार जेसिका भी इस पर हंस देती है। काइल ने भी एमिली को आई लव यू कहा। सबको उसकी स्पीच बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो बाहर मिलते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश थे। हैना अपने डैड को हग करती है। काइल ने अब जेकब को भी एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद रॉबी जेसिका से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें तब प्रपोज करूंगा जब मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा। वैसे भी मेरे डैड तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो थोड़े सालों में मैं भी मेरे डैड की तरह दिखने लग जाऊंगा, फिर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जेसिका इस बात पर हंस देती है और उसे एक गिफ्ट देती है। इस एनवेलोप में उसके पिक्चर्स थे। उसे किस कर वहां से चली गई। पैरेलल में हम देखते हैं कि काइल और एमिली एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। रॉबी को उन दोनों को साथ में देखकर बहुत अच्छा लगता है और यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने आप का ख्याल रखिए।